अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर लेसन, जिसके अंदर हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की टेम्पलेट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है, उसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। AIDA एंड अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। बट हेयर इज़ वन थिंग दैट कैन हेल्प यू अलॉट। मैंने एक फाइल बनाई है जो कि आपको भी मिल जाएगी, उसके अंदर मैंने ऑल कैटेगरीज़ की एक छोटी छोटी टैम्पलेट्स जो सी हैं वो आपके लिए रेडी की हैं। लेट्स सी कि वो टैम्पलेट्स जो सी हैं वो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप उनको यूज़ करके डिस्क्रिप्शन अपनी लिख सकते हैं। सो लेट्स सी कि किस तरह हम कर सकते हैं। पहली है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मैंने ऑलरेडी एक इधर टैम्पलेट लिखी हुई है। इसके अंदर क्या है कि जी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन फॉर योर बिजनेस इवेंट, यू आर एट द राइट प्लेस। ये वाली जो सी चीज़ें जो सा मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो सी टैम्पलेट्स हैं, ये इसी तरह आपने कॉपी पेस्ट नहीं कर लेनी, बट आपने थोड़ा सा अपनी गिग के रिलेटेड आपने कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ डिलीट भी करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो आपने अपनी नीड के मुताबिक करना है। बट ओवरऑल इसकी टैम्पलेट और इसका व्यू जो सा है इसी तरह आपने रखना है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपने किस तरह करना है, ऊपर आपने अटेंशन गेन करने के लिए ये कुछ लाइन्स आपने लिखनी है। आई विल help you to get most out of marketing campaigns. ये वाली जो सी मैंने टेम्पलेट लिखी थी, दिस इज़ बेसिकली अबाउट मार्केटिंग कम्पेन और जो सा एड्स वगैरह बनते हैं और पोस्टर्स वगैरह बनते हैं, आई हैव रिटन फॉर दैट। बट जो सी भी आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपने उसके मुताबिक लिखनी है इधर। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फील्ड फॉर डैश ईयर्स, ब्लैंक ईयर्स, आपने इधर एक्सपीरियंस अपना बताना है, दैट फॉर 3+ years, 5+ years, 10+ years, 1+year, 6+ months, आपने इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको अमेंड करना है, इसको चेंज करना है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, आई हैव डन डैश डिज़ाइंस फॉर ओवर मैनी क्लाइंट्स, आई हैव डन ब्लैंक डिज़ाइंस, हाउ मैनी डिज़ाइंस हैव यू डन, मीन्स 1000+, 500+ डिज़ाइंस फॉर ओवर मैनी हैप्पी क्लाइंट्स। सो यू कैन राइट दैट। अगर आप न्यू हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट हैव दैट, आपके पास ये नंबर नहीं होगा, तो ये आप लाइन डिलीट कर सकते हैं। सो यू हैव टू सी कि जो सी कौन सी बात मुझे इधर ऐड करने की ज़रूरत है, कौन सी बात इधर डिलीट करने की ज़रूरत है। तो आपने अपने हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से, अपनी गिग के हिसाब से आपने देखना है कि कौन सी चीज़ इधर ऐड करनी है, कौन सी चीज़ इधर डिलीट करनी है। मूविंग ऑन, आई डू ब्लैंक ग्राफिक डिज़ाइन सच एज ब्लैंक, मतलब कि आई डू कौन सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग या लोगो ग्राफिक डिज़ाइन, पोस्टर के, तो यू हैव टू वेब ग्राफिक डिज़ाइंस। सो आपने उधर अपनी ब्लैंक की जगह अपनी सर्विस लिखनी है कि कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सच एज लाइक वेबसाइट और लोगो और लाइक दैट आप इधर लिख सकते हैं। चेकआउट माई पोर्टफोलियो हेयर, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर डिफरेंट सैम्पल्स जो उनसे आप अपलोड कर सकते हैं और गूगल ड्राइव का लिंक जो उनसे आप इधर पेस्ट कर सकते हैं। आप बिटले जो उनसे वो यूज़ कर सकते हैं, उधर से जाके अपना ड्राइव का जो सा आपका लिंक होगा उसको छोटा करके वो वाला लिंक आप इधर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाई चूज मी आ जाता है, जिधर हम डिज़ायर बता रहे हैं उसके अंदर प्रोफेशनल एंड क्रिएटिव डिज़ाइन, फ्रेंडली सर्विसेज, क्विक डिलीवरी विद फ्री 3D मॉकअप्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। 100% बायर सेटिस्फेक्शन, अनलिमिटेड विजन्स, प्रिंट रेडी डिज़ाइन, सोर्स फाइल PST एंड AI, तो ये चीज़ें आप इधर मैंशन कर सकते हैं। तो इधर जो सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, आप ऐड कर सकते हैं, कुछ इधर से डेल करना चाहते हैं आप डेल कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अप टू यू, आपने अपने हिसाब से, आई हैव जस्ट गिवन यू अ फ्रेम, ये फ्रेम दिया है, इसके अंदर आपने अपनी नीड के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें इधर से डेल करनी है। सो इसके बाद, फॉर मोर कॉर्पोरेट एंड प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइन, प्लीज प्लेस योर ऑर्डर अंडर आइदर द स्टैंडर्ड और प्रीमियर पैकेजेस। वो आप अगर ये ऐड लाइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, दिस इज़ ऑल अप टू यू। दिस इज़ जस्ट अ फेस दैट आई हैव गिवन यू ऑफ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का फेस है जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट एक टेम्पलेट दी है जो कि आपने अपने हिसाब से अमेंड करनी है, अपने हिसाब से चेंज करनी है। तो दिस इज़ ऑल फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसी तरह मैंने
डिजिटल मार्केटर की लिखी हुई है, उसके बाद राइटर की, वीडियो एडिटर की, प्रोग्रामिंग की, तो ये जो सी मेन मेन फील्ड्स हैं उनकी मैंने इधर टैम्पलेट्स ऑलरेडी डन कर रखी हैं। ये किस तरह यूज़ करनी है वो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे ब्लैंक है आपने अपने हिसाब से उधर सर्विसेज डालनी है, बाकी जो सी भी लाइंस आप ऐड करना चाहते हैं या डेल करना चाहते हैं दिस इज़ ऑल अप टू यू। दिस इज़ जस्ट अ फ्रेम, आई एम रिपीटिंग अगैन, दिस इज़ जस्ट अ फ्रेम। आपने अपनी जो सी भी गिग बनानी है उसके मुताबिक आपने इसको अमेंड करना है, चेंज करना है, लेकिन ये जो से बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं, लाइंस अलग अलग बनी हुई हैं, तो आपने इसके मुताबिक ही रखना है ताकि एक अच्छा व्यू जाता है जब भी कोई रीड करता है। लाइक अगर मैं इधर राइटर की देखूं, सो जस्ट सी के एक प्रोमिनेंट व्यू आ रहा है, हैव यू एवर वांटेड टू स्टार्ट अ वेबसाइट टू हाईलाइट योर ब्रांड, प्रोडक्ट और कंपनी, इधर अटेंशन गेन कर रहे हैं हम। तो आपने अपने हिसाब से इसको अमेंड करना है, अपने हिसाब से इसको चेंज करना है ताकि आप जब डिस्क्रिप्शन लिखें तो SEO के मुताबिक हो और एक अच्छा व्यू जा रहा हो रीडर को, ताकि हमारा जौन सा भी व्यूवर है, जौन सा भी रीडर है, वो हमारा परमानेंट क्लाइंट बने। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेसन, जिसके अंदर हमने बात की कि डिस्क्रिप्शन की टैम्पलेट्स हैं उनको यूज़ किस तरह करना है। मैं आपको ये फाइल भी दे दूंगा, ये वर्ड की फाइल जो है ये भी आपको मिल जाएगी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं और उसके अंदर आप डिफरेंट गिग्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं, दिस विल बी गिवन टू यू। सो इन द नेक्स्ट लेसन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने रिक्वायरमेंट्स का जो सा सेक्शन है वो किस तरह फिल करना है इन गिग। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन हम रिक्वायरमेंट्स पे बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि गैलरी के अंदर वीडियोज़ कौन सी यूज़ करनी है, इमेज कौन सी यूज़ करनी है, एंड आफ्टर दैट विल बी पब्लिशिंग आर फर्स्ट गिग। So stay tuned for the next session. Stay happy, stay blessed. Allah Hafiz.